इस मक्खन के बदले ये सब कुछ मिल रहा है, ये सब कुछ मिल रहा है, तो भाई मुझे तो मक्खन चाहिए ही नहीं। अच्छा हमने बहुत सारी मलाई इकट्ठी की थी, मतलब इसकी मैं क्या करूंगी, अब गर्म कर दिया, इसकी मैं दही जमा दूंगी, और दही जमा के कल इसको मैं बिलो दूंगी, तो बिलो के मतलब इसको घुमा दूंगी ग्राइंडर से। और अभी हम बनाएंगे मक्खन, और मक्खन बनाएंगे कुलदीप शोकन, आइए। फाइनली फ्रेंड्स मक्खन निकल गया, अब हमें अब ये मिक्सी, अब देखो कितने सारे बर्तन ने क्या हाल मचा दिया पूरी रसोई का इन्होंने, देखिए देखो, वाह क्या बात है, मतलब लेकिन ये है कि हाँ फाइनली इन्होंने निकाल दिया ये देखो, लेकिन अभी और भी निकलेगा, देखो उसके अंदर तो नहीं निकला, अब इसके अंदर निकलेगा। फाइनली दोस्तों घी निकल गया, टिंडी प्योर घी थोड़ी देख रहा है, इसके अंदर लस्सी भी तो है, मतलब लस्सी लस्सी तो है, मतलब कुछ तो है पानी, ये वो, अरे सारे बर्तन रहने चाहिए उसमें जो जग में इतना घी था ये पूरा वो निरबर जाना, लेकिन ईव कुछ भी कम से कम आधी कटोरी इसमें चिपरी है, आधी कटोरी इसके अंदर होगी, आधी कटोरी इसके अंदर है, पी लियो लस्सी एक कटोरा निकल रहा, लेकिन ईव देखो यूज की आपकी लापरवाही कुछ कितना कम निकल है, लस्सी निकाल दो इसमें, मन नहीं निकालना चाहिए था, हमारे पास ना एक कटोरी मलाई की थी, उस मलाई को मिला के हमारे पास निकला है ये मक्खन, और साथ में लस्सी, और ये मक्खन आपको पीला पीला इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हम गाय का दूध लेते हैं, गाय का दूध पीते हैं, गाय का दूध दही जमाते हैं, तो इसलिए ऐसा है कलर। लेकिन एक चीज और, अगर मुझे इस मक्खन के बदले ये सब कुछ मिल रहा है, ये सब कुछ मिल रहा है, तो भाई मुझे तो मक्खन चाहिए ही नहीं।